नमस्कार दोस्तों, कोड फिक्स में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रिप्लेस टेक्स्ट और स्ट्रिंग इन पाइथन, मतलब हम किस तरीके से एक स्ट्रिंग को या टेक्स्ट को फाइंड करके पाइथन में रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिप्लेस मेथड। यू कैन रिप्लेस स्ट्रिंग विद यूजिंग रिप्लेस मेथड, जहाँ पर क्या करना होता है, ये ओल्ड वैल्यू जो भी हमारे पास होती है जिसको हमें ढूंढना है, और उसके बाद उसकी न्यू वैल्यू लिखते हैं जो इससे हमें रिप्लेस करना है, और उसके बाद में हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर होता है रिप्लेस लिमिट काउंट, मतलब उस एलिमेंट को जिसको भी हम चेंज करना चाहते हैं उसे कितनी बार चेंज करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले रखा है, एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। यहाँ पर आप नोट कीजिए डॉग, फिर डॉग, और फिर तीन चार बार मैंने ओ डॉग डॉग लिखा है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हम डॉग को रिप्लेस कर रहे हैं और ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमने प्रिंट करके दिखाता हूं मैं इसमें, देखिए अभी नीचे को हम कमेंट कर देते हैं ताकि आप एक एक करके देख सकें ये किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए ये मैं रन कर देता हूँ, पहले मैं सिंपली उसने पूरी लाइन प्रिंट करी है, आप देख सकते हैं इसमें डॉग कैपिटल लेटर में नहीं है कहीं भी, सिंपल डॉग सीधे सीधे लिखा हुआ है स्मॉल वर्ड्स में, जहाँ पे भी देखिएगा यहाँ सब स्मॉल में है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम में रिप्लेस मेथड यूज़ करेंगे। देखिए रिप्लेस मेथड यूज़ करने के लिए मैंने ये कमांड लिखा डेटा डॉट रिप्लेस, डेटा इसलिए क्योंकि डेटा के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है, डॉट रिप्लेस मेथड हमने स्ट्रिंग के लिए कॉल की है जिसमें हमने पहले दो आर्ग्यूमेंट यूज़ किए हैं, पहले किससे रिप्लेस करना है यानी पहले उस वर्ड को ढूंढना है जो रिप्लेस करना है और किस चीज़ से रिप्लेस करना है। तो हम डॉग जो है डी ओ जी डॉग स्मॉल वाला कैपिटल डॉग से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पैरामीटर नहीं दे रहा, तो जितने भी डॉग के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे वो एक साथ रिप्लेस कर देगा। देखिए मैं रंग रन करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन में देखिए यहाँ पर ये डॉग इसने रिप्लेस कर दिया है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सारे कैपिटल डॉग हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया था कि कितने एलिमेंट हमें रिप्लेस करने, इसलिए उसको जो भी डॉग के इंस्टेंस मिलेंगे इसमें अंदर वो सबको एक साथ रिप्लेस कर रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये वन बाय वन भी किया जा सकता है, इसको कमेंट कर देते हैं। लेट्स से मैं इन्हें कहता हूँ कि भाई जो पहला डॉग एलिमेंट आपको मिलता है जहाँ पर भी मिलेगा उसको रिप्लेस कीजिए। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले ये वाले में देखिए लिटिल लेजी डॉग ये वाला है एलिमेंट है, यहाँ इस पोजीशन पे ये फर्स्ट वाले को रिप्लेस करेगा, बाकी सारों को वो स्मॉल में ही रहने देगा, यानी कि ये सारे स्मॉल में रहेंगे। ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखिए रन किया मैंने तो ये पहला एलिमेंट इसने देखिए कैपिटल कर दिया और बाकी के सारे स्मॉल में हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एक की जगह दो दो नंबर पर और तीसरे नंबर पर भी, यानी आप कहना चाहते हैं कि पहले तीन डॉग जब आएंगे तो उनको आप रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ एक की जगह आप तीन एलिमेंट लिखेंगे तो ये फर्स्ट थ्री को रिप्लेस कर देगा। देखिए मैं रन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन को उसने रिप्लेस किया है, पहला ये रिप्लेस हो गया, दूसरा ये रिप्लेस हो गया, और तीसरा यहाँ पर। उसके बाद जो अपीयरेंस हुई है वो स्मॉल में ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ अपीयरेंस भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ चार करनी है तो वो चौथे को भी रिप्लेस करेगा। इस तरीके से आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 वर्ड का टेक्स है एक, उसमें आप कहाँ तक रिप्लेस करना चाहते हैं, कितने अपीयरेंस रिप्लेस करना चाहते हैं, ये आप रिप्लेस लिमिट से काउंट कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिप्लेस मेथड कैसे काम करता है। हमें पहले ओल्ड वैल्यू ढूंढनी होती है जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, उसके बाद हम न्यू वैल्यू डालते हैं जिससे हमें रिप्लेस करना है, उसके बाद हम उसमें लिमिट डालते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें रिप्लेस करना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रिप्लेस मेथड काम करता है पाइथन स्ट्रिंग में। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोड फिक्स में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।